अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, सब कैसे हैं? ठीक ठाक। अल्लाह ताला हम सबको खुश रखे, आबाद रखे, दुनिया के हर आसाइश ज़ेबाइश से नवाजे, हमारे मुल्क पाकिस्तान को अपनी हिफ्ज़ो अमान में रखना। खैर का दिन हो, खैर व आफियत की रात हो। तो ये देखें, शमामा नाश्ता कर रही सलेंटी के साथ और अजानें भी शुरू हो गई हैं आज हम। हाँ, इधर देख के क्या कहती गाइस, चुप, पापा मारेंगे, कैसे लैंटी नहीं खानी सुबह सुबह। इधर देखो क्या शांति नहीं खाने देंगे पापा, गाइस को सलाम नहीं करना। इधर देख, मेरे को मालूम है सब कैसे देख रहा, सबको सभी देख रहे। बोलो गाइस, सर्दी आ गई है, कुछ मामा ने ना सर्दियों का ड्रेस पहन लिया है ना। शमामा कौन सा पहना ये सुपर ड्रेस, कौन सा है ये बताओ, या कौन सा ड्रेस है? सुपर गर्ल। सही तरह बताओ, सुपर गर्ल, सुपर गर्ल। चलो जाओ अंदर जाके नाता कर लो, इसको सुपर गर्ल और साथ को सुपर मैन या स्पाइडर मैन और फाहद को कैप्टन अमेरिका। ये गाइस इतने पसंद है, जहाँ ड्रेस देखते हैं ना भाई हमें लेके दो। अब मैंने ये देखें, एक तो ये पड़ा हुआ स्पाइडर मैन का, मैं तो कट कुट के सूटते ने, मैं कहा चलो इतने बारीक बारीक हर वक्त पहन ही रखना। तो गाइस चलते हैं नाश्ते पर। तो आए गाइस हमारे साथ नाश्ता करने, आलू गोभी है, टिक्कियाँ हैं, सैलड है, ये अंदर चावल भी लाए हैं सनी ना। तो नाश्ता करने लगे, मैं कहा जल्दी से नाश्ता दे। तो आ जाए हमारे साथ नाश्ता करें, आज तो छुट्टी वाला ही माहौल है, तो मैं इसलिए आस्था बोल रही हूँ। सनी कहेंगे फिर इसने व्लॉग बनाना शुरू कर दिया, हम इंतज़ार कर रहे हैं खाने का। तो मिलते हैं फिर थोड़ी देर में। वेलकम बैक गाइस, सुबह से अब कर रही हूँ मैं व्लॉगिंग। वो देखो बेटा कचरा उठाओ नीचे से, ये रखो गाइस मैं क्या लाया हूं। गाइस मेरी तबीयत नहीं ठीक, फीवर की वजह से मुझसे काम नहीं हो रहा था, तो अभी ना मैं आस्ता आस्ता ही करती रही हूँ। अब ये भी ले आए तुम लोग, ये देखें ये बच्चे और सनी आज ग्रोसरी कर आए हैं, क्योंकि मुझे फीवर था मैं नहीं जा सकी। तो ये थोड़ी सी ग्रोसरी की है और वो भी मेरे मतलब की नहीं है, यानी जो चीज़ें मुझे चाहिए ना। ये देखें ये भी हैं, दालें हैं ये, और पता क्या क्या सही नहीं है, मुझे मैक्रोनी ये नहीं पसंद, और मैक्रोनी मेरी पसंद की नहीं आई है, मसाले मेरी पसंद के नहीं आए, उस दुकानदार ने अपनी मर्ज़ी के मसाले दे दिए हैं। बस मुझे कुछ ये बिरयानी मसाला भी नहीं मुझे पसंद, कौरमा हमारे पास पहले ही ऑलरेडी 2-3 डब्बे पड़े हैं, ऐसा नहीं। तो गाइस मुझे तो ना बिल्कुल नहीं पसंद आया, देखें बच्चे भी ये क्या क्या अजीबोगरीब से फजूल कह, देखें कितनी अच्छी इनकी स्कूल बॉटल्स हैं, ये देखें ये पड़ी हैं और भी पड़ी हैं, लेकिन फजूल खर्ची। ये वैसे भी सनी ना अपने बच्चों को करवा देते हैं जितनी मर्जी, मैं मुझे डर के हमारे लेके नहीं जाएंगे कि मैं एक्स्ट्रा चीज़ें ले आती हूँ। एक्चुअली मैं एक्स्ट्रा चीज़ें नहीं लाती, मैं ज़रूरत की होती हैं। तो वो बच्चों को देखें कितनी फजूल चीज़ें, ये क्या कर रहे हो नीचे क्यों बैठे हुए, जाओ अंदर बेड पर बैठ के पढ़ो, गंद नहीं मारो, सुबह के पेपर की तैयारी करो। तो फाहद आप क्या कर रहे हो बेटा, ये अपने लिए ये लेकर आया, क्या कहते हैं ड्राइंग लेके आया, इसे इतना शौक है फलस्तीन का फ्लैग बनाता रहता बैठ कर। फ्लैग बनाया था शमाम, आप क्या कर रही हो? शमाम ने थोड़ी सी देर के लिए ब्रेक लिया गंद मारने के लिए, अभी ये शुरू हो जाएगी गंद और खलारे डालना, ब्रेक लिया उसने सिर्फ फीडर पीने के लिए, वो भी मैंने ज़बरदस्ती आज इसे फोर्स किया है। शमाम देखें क्या क्या लेके आई है, कहाँ गई ये देखें। तो गाइस अब पकाने का इतना लेट हो गया, ये देखें बस ये छोटा सा ये दालें पड़ी हैं। तो मेरे पास टाइम शॉर्ट है, तो मैंने कहा जल्दी से जाके कुकिंग करती हूँ। कुकिंग करके तो देखो वो क्या बनाती हूँ मैं, वो कीमा बना हुआ था चिकन का, मैं सोच रही हूँ चावलों में वो डाल के बना दूँ और आलू डाल दूँ थोड़े से। मटर तो अभी 600 रुपए के पता नहीं किलो है के पा है,
बहरहाल सर्दियों में वो भी सस्ता हो जाएगा। चाँ वो देखो मेरा शैम्पू, लेकिन मुझे ये नहीं चाहिए था, ऑरेंज चाहिए था, वो था नहीं वहाँ। इतना बड़ा स्टोर है, उन्होंने सिर्फ गोल्डन और पिंक रखे हुए हैं जो मुझे पसंद ही नहीं है। मैंने हमेशा से यही यूज़ किए हैं। वैसे अभी सिर्फ कलर बॉटल्स का अलहदा अलहदा होता है, अंदर से शैम्पू वही होता है। हाँ ऑरेंज चले गाइस, फिर किचन में मिलते हैं। ठीक है तो गाइस ये देखो, मैंने आपको बताया था ना चिकन वाला कीमा पड़ा था थोड़ा, वो मैंने ले लिया। कुछ आलू कटिंग कर लिया मैंने, आलू डाल देते हैं पहले। आउच, ये हमेशा है ना ये लग जाता, मैं कोई भी चीज़ पानी शानी लाऊँ ना ये लगता और मेरी चीज़ें गिर जाती हैं, पानी भी गिर जाता है। बच्चे वो नहीं खाते ना कीमा या गोश्त वगैरह, तो मैंने कहा आलू डाल देती हूँ, खुश होकर खा लेंगे। तो यह देखें ठीक है, ये साथ साथ बुनाई होती जाएगी, आलू भी गल जाएंगे। ये देखो ये मैंने डाला है बिरयानी मसाला, चिकन टिक्का मसाला, सुरख मिर्च, दड़ा मिर्च, नमक, हल्दी और ये जो मेरा कुटा हुआ मसाला इसमें है, साबुत धनिया, ज़ीरा, काली मिर्च। बहुत ही मज़े का ना ये फिर खाना बनता है इस तरह। ये देखें चावल मैंने कैसे भिगोने रखे हैं, ऊपर से पानी गिरता जा रहा और नीचे चावल हो रहे। थोड़ा सा पहले हम ऐसे करेंगे फिर बुनाई करेंगे, इसी पानी में ना ज़रा ये मसाला हो जाए फिर इसको पूनी लगाएंगे। कुछ समझ नहीं आ रहा था, रात भी इतनी हो गई थी, तो मैंने कहा सनी चावल बना लो, बच्चे खा लेंगे, शौक़ से तो नहीं खाता, साथ नहीं खाता चावल। वो मसाले वाले मैं घर में कोई भी बनाऊँ ना इस तरह के, तो वो कहता नहीं मैंने ये नहीं खाने, वाइट चावल है तो मैं खा लूँगा। अब देखो क्या बनेगा। मुझे ये सारा सामान भी रखना, देखें मुझे कुछ सामान चाहिए था तो मैंने ज़मीन पे ही फेंक दिया जल्दी जल्दी, और मैं अभी इस बॉक्स को क्लीन करती हूँ, इस बॉक्स में डालते हैं बाकी का मसाला। और देखें माशाल्लाह मैंने इतनी जल्दी बना दिया, ये भी सारा दरम बरम हुआ है। ये देखें ये भी, बस वो बाजी आई थी ना टाइम शॉर्ट होने की वजह से हर चीज़ फेंकती रहती थी मैं। ये टिश्यूज़ रखे हुए हैं, इसलिए रखे हुए हैं कि बिस्मिल्लाह कनौर की टिक्की, तो वो इसलिए ये देखें रखा हुआ मैंने कि क्या मैंने कहा गाइस मैं भूल गई मैं क्या कह रही थी, बच्चों की पेंसिल वगैरह इनसे छुपा के रखे हैं। ये दूसरे मसाले हैं, वो मेरी ग्रीन टी, ये देखें सब कुछ दरम भरम हुआ। ये देखें गाइस ये वो है ना क्या कहते हैं पता नहीं अभी मुझे नहीं याद आ रहा ना, इस बॉटल में ना ऑयल वाली देखे ऑयल डाल दिया, मज़ा नहीं आया मुझे, यानी पसंद नहीं आई मुझे, क्योंकि ये बंद नहीं होता, बच्चे पकड़ेंगे और ये फिर इसमें से गिरा देंगे ऑयल। तो ये तो यहाँ पर गाइस चूल्हा पड़ा हुआ था, नहीं ये हमारा ही चूल्हा पुराना है यानी पड़ा हुआ था कह रही हूँ, मेरा जो अपना चूल्हा है वो बड़ा ज़बरदस्त है, लेकिन वो इधर नहीं ऐसे नहीं लग सकता, वो फिक्स होगा और इसमें हमने फिक्स नहीं करना क्योंकि हमारा कोई पता नहीं है, हमारा जहन एकदम बदलने वाला है और हम चेंज करने वाले हैं और फिर ऐसा ही वाला घर लेंगे। मैंने सनी से कहा मुझसे इस चूल्हे पर काम नहीं होता, मुझे वही वाला मेरा फिक्स चूल्हा करवा कर दें। तो ये देखें गाइस फाइनल लुक, मैंने कहा था मैं आपको दिखाऊँगी, आज मैं अकेली थी तो इसलिए मुझे इधर ही रही हूँ, इधर तो गई नहीं। बिस्मिल्लाह ये देखो गाइस, आपको एक चीज़ दिखाऊँ, एक अपनी बहुत बुरी हरकत दिखाती हूँ मैं आपको, और वो हरकत है मेरी ये, मैंने पॉपकॉर्न बनाने की नाकाम कोशिश की, मुझे किसी ने बताया था इसमें एक चम्मच छोटा ऑयल डालना, नमक डालना और ये पॉपकॉर्न बन जाएंगे, लेकिन ये पॉपकॉर्न तो क्या बना था, तो स्वाह होगा सड़ के। ये देखें ग्रीन चटनी बनाई है मैंने साथ, और सनी को कहा है दही लेके आए, तो ये देखें तैयार हो गए, बच्चे भूख भूख कर रहे हैं, शमामा लगता है कोई कारस्तानी कर रही है। भाइयों की कॉपीज तो नहीं ली आप लोगों ने, उनकी तो नहीं कॉपियाँ ले रही, एक्स्ट्रा इधर देख के बताओ, इधर तो देखो क्या कर रही है भाइयों की कॉपी ली, गाइस देखो मैंने भाइयों की टोपी ली है, क्या ये देखो, ये देखो ये देखें गाइस, मामा पिंकू
शमामा पिंकू, शमामा वॉच भी लेके आई है अपनी, शमामा अपना पिंकू बाइल भी लाई है। ओ नीचे गिर गया, ये है शमामा का पिंक। अल्लाह अकबर, ये लो। ठीक है, अब मैं जा रही हूँ भाइयों को खाना दूँ, वो बेचारे भूख में बैठे हुए हैं। तो गाइस ये देखें मुझसे कितने बुरे हालात हो गए मेरे ना, मैं क्या करूँ। चलो मैं नेट से देखूँगी कैसे बनती, मैं बच्चों को खाना, हाँ सार दे रही हूँ। ये देखो मेरे बच्चे का हाल क्या हुआ साथ, ये देखो मैं पॉपकॉर्न, मैंने कहा आप लोगों को सरप्राइज़ देती हूँ, ये तो मुझे ही सरप्राइज़ मिल गया, पॉपकॉर्न ही नहीं बने उनसे, पता नहीं, चलो मैं नेट से देख के फिर आपको बना के देती हूँ। गाइस मैंने कहा वो आपसे इजाज़त लें तो अल्लाह हाफिज़। वो देखें दिखा ही नहीं सकती, कोई ना कोई खड़ा होता है। तो ये देखें गाइस आवाज़ आ रही है पढ़ने की, क्योंकि वो ना कुरान खानी, वो सॉरी कुरान खानी नहीं, कब्रिस्तान के अंदर ना वो हो रही है महफिल इस साइड में मेरी ना। गाइस 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 करते रहते हो नन्ना, वो तो बोलते हैं तो यूनिकॉर्न वाली ना एकदम, आपको तो पता है मैं वो नोटबुक लाया था ना, मैंने ना उस पे ना फलस्तीन और पाकिस्तान का झंडा बनाया, फ्लैग बनाया मैंने। आज कब्रिस्तान के भी साथ या कब्रिस्तान को क्लीन अप किया उन्होंने, सारे वो जो झाड़ियाँ दरख्त दरख्त लगे हुए थे ना गाइस, वो सुबह मैं दिखाऊंगी आपको, वो एक आदमी सुबह सारा उसे देखें पूरी वहाँ तक कब्रें नज़र आ रही हैं, अब सारी कब्रें नज़र आ रही हैं, पहले नहीं आ रही थी, सारा छता हुआ था पौधों के दरख्तों के साथ कटाई हुई गाइस। ये देखें इस तरफ हो रहा है, मिलाद हो रहा है क्यों, अच्छा नहीं गिरता मैंने पकड़ा हुआ। तो मैंने कहा अपने गाइस से अल्लाह हाफिज़ करते हैं, साथ साथ गली भी दिखाते हैं हमारी कितनी प्यारी गली लग रही है, ये देखें गाइस साफ़ सुथरी रोशनी वाली माशाल्लाह। तो गाइस आपको एक चीज़ बताऊँ, एक मिनट गाइस, ये जितने भी आपको नीचे फ्लैट दिख रहे हैं ना, ये वहाँ पर गली, यहाँ पर ये सारे ना पहले ना कब्रिस्तान था ना, तो ना ये सारा ना जितने भी ये कब्रें हैं ना यहाँ पर थी, उनके ऊपर ही ना उन्होंने फ्लैट बना दिया। तो बेटा पहले मैंने सुना हमारे अम्मी अबू भी बताते थे कि इछड़ा सारा कब्रिस्तान था, ये अब आबादी बनी है, तो इसी तरह ही है बस, यानी ज़मीन के ऊपर कुछ ना कुछ, खैर